गांव तो सारा डूब गया, 30,000 गाड़ी ने लिया किराया। अभी तो गांव जो गांव सारा खत्म हो गया, पानी भी इतना 8-9 फुट, ये 2-2.5 महीने 3 महीने आप गुजर जाएंगे, फिर वापसी चले जाएंगे पानी से उतरे। गांव में तो 5-6 सौ दिहाड़ी है, जो मजदूर आदमी कैसे घर बनाएंगे। 3-4 साल हो गया हमारे गाँव में बिजली नहीं है। सूरत हाल ये थी, पहले तो बरसात थी सैलाब से पहले, रात दिन 24 घंटे 48 घंटे रात दिन बारिश रुकती नहीं थी तेज़ हवाओं के साथ। फसल तो गांव तो घर जो थे था वो तो पहले ही टूट गए, फसल भी डूब गया। ऐसे ही बैठे हुए थे सामान के ऊपर, अचानक हम जो हमारा गांव जो है ना, नीचे जो है सुप्रियो बंद, सुना होगा ना, ऊपर से एफ बंद, बीच में हमारा गाँव है। तो पहले वो टूटा, कौन सा एफ बंद, वो टूटा था। पहले तो पानी तो सारे जमा हो रहे थे बरसात की, जब एफ पी बंद टूटा हम निकल गए, निकले तो मेड़ा है बाईपास पे, तो बस दूसरे दिन पता नहीं तीसरे दिन वो टूट गया सुप्रियो बंद, पानी पानी हो गया, गांव तो सारा डूब गया। जो अभी हम आए हैं ना, 4-5-6 खानदान है हमारे, 5-6 खानदान हमारे वहाँ वहीं पर हैं, बंद पे बैठे हुए वहाँ गाँव पर। कुछ कोई बकरियाँ जो बता रहे थे, बकरियाँ थी कोई भैंसें थी, वो तो चली गई। अभी एक दो बची है वो भी उसके पास है, बंद पे बैठे हैं, उसके लिए राशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुबह में रब्ता किया, वो रो रहे थे कि कुछ भी नहीं हमारे को चाहिए, सिर्फ राशन पहुँचाए, आटा पहुँचाए, हम खाएं बस ऐसे ही। और आज कुछ कोई ना टीम गई है, ना ही कोई हुकूमत की तरफ से कोई गया है, वो बंद पे बैठे हुए हैं। तो फिर हम निकल गए बाहर मेड़ से, 30,000 गाड़ी ने लिया किराया, तो किराया भी नहीं था मेरे पास, 2 दिन लग गए वहाँ पे बाईपास पे, तो किसी दोस्त ने गाड़ी करके दी, तो वहाँ के कराची पर आए, इसीलिए कराची बाद में आए। अभी तो गांव जो गांव सारा ख़त्म हो गया, पानी भी इतना 8-9 फुट अभी भी 8 कल 6 इंच नीचे हुआ है, कम हुआ है पानी 6 इंच, जब ये जो मनसुख झील को काट लगाया ना, इसीलिए 6 इंच कम हुआ है। कुछ नहीं बचा ऐसे, हम निकल के आए तो पहले तो नीचे था ना पानी, अब थोड़ा ऊपर से छोड़ के आए कि जगह बड़ी थी, ऊपर ऊंचाई पे थी जगह, वहाँ छोड़ के आए, ये बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा, वहाँ भी पानी आ गया, बहुत ज़्यादा पानी था। कभी 10, हम कहते थे कि 10 वाला सैलाब था ना, इससे ज़्यादा कभी नहीं आया था, 7 में आया था, इससे पहले आया था 10 वाला, हम कहते ये बड़ा जग पानी का है, वो गिलास थे, लेकिन ये जो आया ना सबको पीछे छोड़ दिया, जग नहीं, ये कूलर था बड़ा, ऊपर वाला जगह वो भी डूबो थी, इतना बड़ा था, कुछ भी नहीं बचा। अभी जो बंदे वहाँ रह गए वो बाहर निकल के बंद पे बैठे हैं, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं, पानी पीने का भी नहीं है, ना कोई नलका धलका, वो भी कुछ भी नहीं, ऐसे ही वही पानी पीते हैं बंद पे जो बैठे हैं। बहुत सारे बैठे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे खानदान 5-6 हैं, लेकिन दूसरे आदमी कौन बैठी हुई वहाँ पर। पहले पैदल आगे रक्षे मिले, रक्षे लेकर आए, पहले तो पानी था, आधा रास्ते पे पानी है, पानी था, जो सुप्रे बंद थे ना उसके क्रॉस करे, फिर रक्षों ने चुनची जो नहीं होती उस पर आगे मेड़ तक, खाने पीने कुछ भी नहीं था। ये पड़ोसी जो थे ना आपस में बैठे हुए, कोई शहर वाले आदमी वो चीज़ें लेके आते बच्चों के लिए सामान, कोई ऐसे आदमी शहर वाले खैर पर नाथन शाह के या मेड़ के, वो लोग आगे से आदमी को खाना खिलाते थे, कोई 1 दिन ठहरा, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई अभी तक वहाँ पर ठहरे हुए हैं बाईपास पर, जहाँ बचा हुआ है बाईपास, घना कुछ तो डूब गया है बाईपास खैरपुर और मेड़ के। यहाँ तक दोस्त रिश्तेदार मेरे बैठे हैं, 4-5 रिश्तेदार हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, उसने बिठाया जगह जगह गाड़ी है, वो किराए पर मकान लिया लेके दिया, ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल भरजता भरा भेजा, बिल्कुल भेजा, को मदद की उसने, जो भी कुछ दिया उसके बस की बात ही, वो लेके आए बच्चों के लिए खाना दाना, डिलीवरी के लिए जो भी सपोर्ट थी उसने की है, अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे। ये 2-2.5 महीने 3 महीने आप गुजर जाएंगे, फिर वापसी चले जाएंगे पानी से उतरे। हम तो ऐसे ही समझो जी सजा जेल काट रहे हैं शहरों में, मज़ा ही नहीं था। गाँव के आदमी है और मजदूरी भी नहीं मिलती, मजदूरी कौन सी है फैक्ट्री में ये काम करते कर ही नहीं सकते, तोलिया है 200-200, 250-300 सारा दिन, हम करते हैं मजदूरी वो।
बस वो मुमकिन नामुमकिन है। क्या जो मज़दूर आदमी कैसे घर बनाएंगे बनाएंगे, जो दिहाड़ी 1200 1500 500, गांव में तो 500-600 दिहाड़ी है, 12,000 कराची में गांव में 500 दिहाड़ी है 600। हाँ ये 600 दिहाड़ी क्या खाना खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे या घर बनाएंगे? हुकूमत के सुनते हो डॉलर टीवी में सुनते हैं देखते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। वज़ीर आज़म आया $15 अरब, हालांकि पता नहीं कहाँ गए। हुकूमत में हमारा आसरा ही नहीं है, नहीं उसको कहेंगे। संदूक में क्या देगी, पहले क्या दिया इसने, कुछ भी नहीं दिया, नहीं देंगे। उम्मीद हुआ आसरा हो तो उसको कहें, पड़ोसी हैं बैठे हुए हैं सारे MPA में, आज तक कुछ भी नहीं दिया, नहीं रास्ता था ना को बिजली, 3-4 साल हो गया हमारे गांव में बिजली नहीं है।